लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई एयरपोर्ट को दीबा पाटिल का नाम दिलाने प्रकटग्रस्तों ने 10 जून को मानव श्रृंखला आंदोलन करने का ऐलान किया है। आज सिरौने विद्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आंदोलन के संदर्भ में जानकारी देते हुए दीबा पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल सर्वपक्षीय कृति समिति के नवी मुंबई समन्वयक मनोहर पाटिल ने बताया कि यह मानव श्रृंखला आंदोलन बेलापुर मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर थाने से सटे दीघा तक चलेगी। मनोहर पाटिल ने कहा कि यह एक सांकेतिक आंदोलन है, यदि इसके बाद भी सरकार और सिडको नहीं जागे तो 24 जून से व्यापक आंदोलन शुरू होगा। यहां MLC रमेश दादा पाटिल, डॉक्टर राजेश पाटिल, वरिष्ठ नेता दशरथ भगत समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। सिडको ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बाला साहब ठाकरे का नाम प्रस्तावित कर नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्तों का गुस्सा बढ़ा दिया है। प्रकल्पग्रस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने मसीहा दीबा पाटिल का नाम चाहते हैं। इस मांग को और मजबूत करने प्रकल्पग्रस्त 10 जून को मानव श्रृंखला आंदोलन करने वाले हैं। आज नेरुल के सिरौने विद्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीबा पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल सर्वपक्षीय कृति समिति के नवी मुंबई समन्वयक मनोहर पाटिल ने इस आंदोलन के रूपरेखा की जानकारी दी। सिडको के नामकरण प्रस्ताव का विरोध करते हुए मनोहर पाटिल ने कहा कि आंदोलन बेलापुर से दीघा तक चलेगा, जिसमें 7 से 8 हजार लोग शामिल होंगे। यहां MLC रमेश दादा पाटिल, प्रकल्पग्रस्त नेता दशरथ भगत, नीलेश पाटिल, दशरथ पाटिल और डॉक्टर राजेश पाटिल समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। सभी प्रकल्पग्रस्त नेताओं ने जोर देकर कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ दीबा पाटिल का ही नाम चाहिए, उसके सिवा और कुछ भी मंजूर नहीं है। यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय विमानतल हो रहा, हवाई अड्डा हो रहा है, को दीबा पाटिल साहब का ही नाम आना चाहिए, क्योंकि उनका त्याग है। हम किधर, जो महाराष्ट्र में इतने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हम बोल रहे कि ये प्रोजेक्ट का नाम दे दो, खाली जो नवी मुंबई जो इनका भूमि है, हमारा भूमि है, ये भूमि पे ऊपर हम लोग ने त्याग किया है। यहाँ पे सिडको निर्माण हुए और यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने रहा है, उनका ही नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रपोजल CM के पास गया है, नगर विकास खाते पे पास गया है। जो वो लोग निर्णय नहीं लेते तो हमारा सवाल ही नहीं आंदोलन स्थगित करने का। बता दें कि एयरपोर्ट को स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का नाम देने के खिलाफ नवी मुंबई, थाने और रायगढ़ में जोरदार आंदोलन चलने वाला है। सरकार और नवी मुंबई पुलिस इस आंदोलन को रोकने की कोशिश में है। हालांकि मनोहर पाटिल ने कहा कि इसका फैसला सर्वपक्षीय समिति के निर्णय पर आधारित होगा, लेकिन सिडको और पुलिस चाहे लाख रोके, 10 जून को आंदोलन होकर रहेगा। ये CBD जो पिलर है मेट्रो का, वहाँ से स्टार्ट होगी, वहाँ से सब हम बेलापुर, दिवाड़ा, शाहबाद, अग्रोली, वो चार गाँव वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हरे गांव जो बेलापुर जो मेन रोड है हाईवे के तरफ से जो दीघा तरफ जाते हैं, वहाँ से सब गांव वाले हम इकट्ठा होंगे, 10-10 फुट का हम मुआवजा करके वहाँ पे शांति से और कोई गड़बड़ न हो, पुलिस के ऊपर ताड़ न हो, जो भी ट्रैफिक है उनको भी उसके ऊपर ताड़ना होना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी संगठन है, जो भी नवंबर संगठन है, पूरे हमारे साथ है, जितने भी लोग हैं मोस्टली हजारों में लोग शामिल होंगे। और कल तक की बात है, कल तक तो हम लोग कमिश्नर से आंदोलन रुकने वाले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।